हर महादेव सबको दोस्तों। और अभी केदारनाथ पहुंच चुके हैं, करेक्ट 9 बज रहे हैं, भीड़ काफी आज सावन का पहला सोमवार भी, और हम लोग केदारनाथ पहुंच गए हैं दर्शन करने वाले हैं। पीछे मम्मी सब लोग लाइन में लगे हैं, हम लोग इतने लोग यहाँ बैठे हैं, पीछे लाइन जब तक यहाँ आएगा तब तक लाइन में घुस जाएंगे। और एक बात कहूँगा, क्या सुंदर जगह है, क्या सुंदर मंदिर, तो इतना सुंदर यहाँ से देखो पूरा पीछे तक, फोटो वीडियो में आप देखते होगे ना छोटा लगता होगा, बहुत बड़ा मंदिर है। आज सावन का पहला सोमवार भी है इसलिए भीड़ बहुत ज्यादा है। आज पीछे तक देखिए, वो लाइन कब से 1 घंटे से लगी हुई है, बैठ खड़े खड़े थक गए तो आगे बैठे हैं। किसका किसका दर्शन हो गया है? बस पापा का। आप केवल दर्शन किए और खुशी का नहीं हुआ? अच्छा, सिर्फ चाचू दर्शन किए हैं, बाकी सब लोग सो रहे थे, लोग शरीर इतना दुख रहा था ना, अभी उठे आए हैं। और ऊपर एक तुंगनाथ मंदिर भी है, इसी का केदारनाथ का पीठ है वो। अब वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे अब कंफर्म नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे, थोड़ा ही ऊपर है, ज्यादा नहीं। अभी चल के भीमशिला आपको दिखाते हैं दर्शन, सामने दिख रहा है 6 किलोमीटर। कितना दूर है वो तुंगनाथ? 6 किलोमीटर थोड़ी है, सामने दिख रहा है, थोड़ा ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं, पास ही में यहाँ से दिख भी रहा है वो, देखिए दिखाता हूँ आपको। वो रहा तुंगनाथ पीठ, केदारनाथ का ही एक और पीठ होता है वो, तो उसमें जाएंगे, पंच केदार होते हैं ना, पंच केदार का वो तुंगनाथ है, तो शायद वहाँ जाए, पास ही में, ज्यादा दूर नहीं है, हिमालय पे एकदम है, इतनी ऊंचाई में मंदिर बताइए। आए हम लोग कल चढ़ते चढ़ते तो पूरा बैंड बज गया था, एंड भी नहीं कर पाए। ये है महाप्रसाद केदारनाथ का, अभी हम लोग खड़े हैं, ये जल, सामने जल आता है वहाँ से, नंदी जी का मुंह बना है उसमें जल आता है, उसमें जल भरे हैं, ये सबका जल है, इधर इधर थोड़ा सा ही आगे जाके जल लेने के लिए, चढ़ाने के लिए, तो ये ले लिए चार, एक मेरे दोस्त का भी है, उसको टच करा के दे देंगे उसको। लगा दीजिए। क्या चीज? चलो अंदर लग जाएगा ना, अंदर उसमें लग जाएगा, मंदिर में लग जाएगा। मंदिर में हर हर महादेव। नहीं सब चढ़ाना है, ये सब मत काम करो, अंदर रखो, मेरा ये वाला है, अंदर रखो चढ़ाना है, सब चलो, सब जल चढ़ाने के लिए अंदर, ऐसे मत करना, अंदर इसे पकड़ लेंगे, आप रख लेंगे। तो लाइन में लग गए हैं, पास में मंदिर के एकदम पास बगल में आ गए ना, दर्शन करते समय फोन बंद कर देना है, ठंडा बहुत बढ़ रहा है, पूरा कोहरा छा रहा है, देख रहे हैं। हर हर महादेव। अरे वाह, अरे महासरोवर, अरे हिमालय, मानसरोवर है वो, हिमालय की चोटी दिख रही है, देखिए वो, देखिए हाँ क्या सुंदर लग रहा है। और देखिए भीमशिला हो रहा है, भीमशिला, उसी पत्थर ने मंदिर को बचाया था। आपको पास से चल के दिखाता हूँ दर्शन के बाद। कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत, और ये हमको चाइना के अंदर है, बॉर्डर पे है शायद, बॉर्डर पे। तो महादर्शन हो गया, दर्शन यहाँ से निकले हम लोग, ये इधर ये प्रसाद भी चढ़ा दिए, गंगा जल चढ़ा दिए, अभी इसका परिक्रमा, मंदिर का परिक्रमा करते हैं। अंदर प्रसाद भी मिला था, चावल वाला प्रसाद था छोटा थोड़ा सा, और अंदर हमको नहीं पता, बहुत सुंदर मंदिर है, अंदर से बहुत सुंदर है, हमको नहीं पता था अंदर पांचों पांडवों का भी मूर्ति है, उनकी माता कुंती थी, और कृष्ण जी की मूर्ति है, और द्रौपदी जी की मूर्ति है। चलो ओम करना, चलो जल्दी परिक्रमा करो, बाद में फोटो खींचना, पहले चलो परिक्रमा करो, परिक्रमा करो, चक्कर लिया जाता है मंदिर का। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं भीमशिला के भी दर्शन हो गए, आपको दिखाते हैं मंदिर के पीछे, ये सारे देखिए पीछे पूरा पीछे लोग अपने छोटे छोटे पत्थरों से घर बनाए हैं, हम लोग भी घर बनाते हैं, आओ छोटी। तो देख रहा हूँ हम अपना घर बना लिए हैं, छोटी तुम बनाओगी? तो बनाओ नहीं,
बनाओ ना। नहीं, इतने सारे लोग घर बनाए हैं अपना, इतने सारे लोग, हम मेरा भी एक घर यहाँ बन गया। वहाँ भी देखिए एक आदमी बना रहा है। फल में तो ही होता है बीज। हाँ, वही बीज रहता है ना। इसका माला भी देखे, फल वाला माला नेचुरल है ये। फल वाला रुद्राक्ष देखिए, इसका बीज है ये, रुद्राक्ष इसका बीज है। इसमें कौन सा निकलेगा ये कुछ पता होता नहीं है। कौन सा निकलेगा मतलब निकलेगा? अच्छा, 100 रुपए का एक है। तो ये है आदि शंकराचार्य जी का समाधि और उनका मूर्ति भी है यहाँ पे। हम लोग का सारा दर्शन हो गया, फोटो शूट को काफी सारा फोटो खींचा गया। इतना सुंदर जगह है यार, आसमान देख रहे हो, और वहां से वो देखिए अभी अभी बादल खेल लिया अपना, फिर वो दिख रहा था माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत दिख रहा था ना, सुंदर इतना बादल, इतना सुंदर लग रहा है, मजा आ रहा है। और ओम भी अपना वो बनाया वहाँ पे पत्थर से घर, रुद्राक्ष फल वाला रुद्राक्ष भी लिए हैं। चाचू वहाँ रुद्राक्ष ही लिए क्या आप? रुद्राक्ष फल वाला छोला भटूरा। कल शाम 6 बजे का हम लोग खाना खाए थे, उसके बाद आके सो गए थे। अभी भूख बहुत लगा है, 10:30 बज गया है। हम लोग छोला भटूरा सबके लिए ऑर्डर किए हैं। मम्मी चाची और गुनगुन आज व्रत है, सोमवार का, सावन का पहला सोमवार है ना, दूसरा व्रत है। तो हम 6 लोग खा रहे हैं अभी। अरे इन लोग का भी क्या गया? हम ही लोग का नहीं आया है। छोला भटूरा, छोला भटूरा खाते हैं। यहाँ पे इतना महंगा मिल रहा है, और एक तो बेस्वाद, स्वाद इतना नहीं। 150 रुपया प्लेट छोला भटूरा था, और मजा नहीं आया, बेकार बनाया था। सब लोग खा पी के आएगा, जो भी बॉलिनी वगैरह, मुंह वगैरह थोड़ा जहाँ दर्द है सब लोग आएगा, पेन किलर खाके, पेन किलर खा के हम लोग चल देंगे नीचे को, आधे घंटे में चल देंगे। 10:30 बजी गया है, जल्दी निकलेंगे, तब 6-7 घंटे में पहुंचेंगे नीचे। चलो चला गया। कहाँ? अरे मम्मी से पूछो कब तक चलेंगे। खाना लोग खा लेने दो, ऐसी बात है ना, तो अपना फलहारी का आलू वाला आइटम बनवाई है होटल वाले से। क्या कर रहे हो भाई? पहले वो दिखाओ हमको, क्या कहते हैं, इधर देखो, तुम इधर देखो, तुम इधर देखो, आज लगा लोगे? इधर देखो, क्यों नहीं हो रहा है? हाँ लगा लो आज तुम मेरा चेहरा इस तरफ का करो, तुम अपने तरफ। अरे ये क्या है? अब बन गए तो वायलेंस वायलेंस। सारे लोग हमने पेन किलर खा लिए हैं, वॉलिनी हमको भी लगाना है। मेरे कमर मेरा क्या बताएं? अच्छा हाँ, इसका पेन किलर पापा दिए, तो इसके होटल वाला ग्लास नहीं दिया, जग दिया पानी का, तो मुंह में पेन किलर रख के जग से पापा से पानी डालना है, पी नहीं पा रहे, घोटी नहीं पा रहे, 3-4 घूट पिला दिए, ये जीप पे इसके दवाई रह जा रहा है। बोला हम गिलास से ही पी पाएंगे, गिलास से ही पी पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके जग से ही, मतलब गिलास की तरह एक साथ पिलाया गया तो पिया है। कैसे याद है दो पानी गिलास से याद है? देखो ऐसे कर रहा है, देखो पी जा रहा है पानी गुड़िया ना, फिर दवाई निकाल कर। मेरा नाम है ओम पंडित, तो अभी लेके चल रहा है, हम जा रहे पूजा करने। हम भैया अरे गरम पानी ला, हम भैया ऐसे जाप करो, जाप करो, बाबा जी दीजिए, इधर इधर दो बच्चा, इसको सोने के चेन में पहनना। ये देखिए पंचमुखी रुद्राक्ष हमें ओम बाबा दिए हैं। फल कैसे, कितना रुपया अपना दक्षिणा कितना होगा आपका? 200 रुपया। 200 रुपया, 100 रुपये पर 20, 1 रुपये का 100, 1 का 100, 1 से 100 का। पेन किलर खाएगा ना? हाँ ना, जूता तो गीला है, तो कल हम लोग चढ़ के आए, एकदम जूता गीला, एकदम भीग के भारी हो गया है, सूखा ही नहीं, धूप हल्का सा भी धूप नहीं है, अभी तो थोड़ा सा धूप हुआ, धूप तो अभी है। अरे इतने में थोड़ी सूखेगा, दिन भर रहेगा तब ना सूखेगा, और अभी जाने में भी गीला हो ही जाएगा, जाने में भी गीला हो ही जाएगा, झरना वरना है।
हम लोग तो निकल रहे हैं, आखिरी बार दर्शन कर लिए, आप भी दर्शन कर लीजिए आखिरी बार। जय श्री केदार। अब चलते हैं सीधे घर। छोटी आओ, क्या चाहिए, क्या लेना? छोटा वाला मूर्ति ले, छोटा वाला मूर्ति 200 का दे रहे, बड़ा वाला 150 का। हमको मतलब मार्क कुछ खरीदारी करने के लिए सोच रहे हैं, ये वाला मंदिर का प्रतिमा लेने के लिए बड़ा महंगा दे रहे हैं। ये हेलीपैड, हेलीपैड देख के मजा आया और केदारनाथ का दर्शन भी हो गया। मतलब जब आएंगे तो अब हेलीकॉप्टर से ही आएंगे। हेलीकॉप्टर से आओगे? हाँ, हेलीकॉप्टर से आएंगे। अब थक जाते हैं। कौन देगा 5,000 रुपया? 5,000? कितना? 20,000। 5,000 हेलीकॉप्टर है, लेकिन हेलीकॉप्टर से आने का अलग ही मजा रहेगा। तो एक मिनट में आया, एक मिनट में गया। बहुत बड़ा मंदिर है, अंदर से दिखा नहीं सके क्योंकि पुलिस वाले डांट रहे थे, अपना फोन स्विच ऑफ कर लो। हम लोग को पुलिस वाले मना कर दिए थे ना सबको, कि फोन ओन नहीं लेके जाना अंदर। हाँ, तो वरना दिखा नहीं। मंदिर के अंदर थोड़ी फोन ले आया था, कभी नहीं ले आया था। सब लोग लेके गए थे, पर साइलेंट। हाँ, वो बंद करके वीडियो नहीं बना, कैमरा लगा था। काफी भव्य मंदिर था, मजा आया ना। हूँ क्या क्या उसके पीछे भीम चट्टान था, भीम शिला। हाँ, घर भी बनाया। हाँ, हम लोग तुंगनाथ नहीं गए, बहुत ऊंचाई पे, मतलब कम से कम वहाँ पे 4-6 किलोमीटर चढ़ाई है। हवा यहाँ पे बहुत तेज चल रहा है, ठंडा लग रहा है बहुत। तो सर, किसी का मन नहीं किया चढ़ने का, 4 किलोमीटर चढ़ाई के लिए सब लोग मना कर दिया। तो सीधे उतर रहे हैं, मेन केदारनाथ के दर्शन हो गए ना, तुंगनाथ जी के हाथ जोड़ लिए। लेकिन काफी ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई पे, यहाँ से वहाँ पे उस साइड। जैसे यहाँ तो लोग रोड पे है ना, वहाँ पे तो पहाड़ पे बैठे हुए हैं। 6 बजे तक पहुँच जाएंगे ना? 6 घंटा लगेगा उतरने में, 6 घंटा उतर जाएंगे। नहीं, उतरने में 4 घंटा। 4 घंटा थोड़ी लगेगा, आराम से उतर जाएंगे। इतना थोड़ी चेतना जल्दी नहीं उतर पाओगे, चढ़ने में जब 12 घंटा लग गया। नीचे उतरना इज टू इजी मैन। यस यू नो, थक भी नहीं रहा। इस जो रात में इस पे चढ़ाई करने में एक पैर आगे नहीं बढ़ रहा था, धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे लोग। और पता है, और उतरने में एकदम स्लाइड सरकते हुए जा रहे हैं। पत्थर गिरता है ना, गिरा ना, जहाँ नीचे जो ऐसे करके जा रहा है उस पे, पता है, हम देखो ऐसे चल रहा है, ऐसे रखा है, फिर ऐसे चल रहा है, ढंगला जा रहा है पीछे। हाँ, पैर एकदम काम करना बंद कर गया, एनर्जी खत्म हो गया था पैर का। तो नींद लिए हैं तो उससे तो बहुत फायदा मिला। केदारनाथ जैसे दिखा भाई सुबह सुबह ना, क्या मतलब भव्य चीज था। रात में नहीं दिखा हम लोगों को, रात में कोहरे से ढका हुआ था। तो हम लोग जैसे ही पहुंचेंगे नीचे, निकल जाएंगे बद्रीनाथ के लिए। उसी में गाड़ी में जो सोएगा सोएगा, खाएंगे पिएंगे। जैसा आप पिछले वीडियो में देखे चढ़ते हुए, ये रास्ता नहीं देखे होगा, अभी रास्ता तो अंधेरे में कट गया, हम वीडियो भी नहीं बनाए। अब तो देखिए धुंध हो गया, अभी सामने तक धुंध हो गया, थोड़ा आगे विजिबिलिटी 0 है। बहुत बुरा लड़खड़ा रहे हैं, एकदम नीचे ढलान है। और ये रास्ता जल्दी कवर हो भी जाएगा, क्योंकि आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि यहीं पे ज्यादा चढ़ान था। इसको भी ध्यान दे रहे हैं, ज्यादा जल्दी में हो जा रहा है। हैं, कहाँ दौड़ रहे हो? दौड़ रहा हूँ, इतना लगा नहीं कि जा रहा हूँ। हाँ, अपने आप ही शरीर अपने आप जा रहा है ना पैर। तो जैसे हम बता दें आपको, जो जिस जगह पे अभी जिस स्पॉट पे हम लोग हैं, तो उस स्पॉट पे, उस स्पॉट से मंदिर तक जाने में 2 घंटे लगे थे, और अभी आने में आधे घंटा लगा है सिर्फ। मजा आ गया, लेकिन मजे आ गए। क्या मौसम है देख रहे हो, मजा आ रहा है। बस ये डर है ना, ज्यादा ढलान है पैर मुड़ने का। अभी सब लोग पीछे, हम आगे आ गए, तो इस ग्लेशियर पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली बार किसी बर्फ वाले जगह पे जाएंगे, कैसे जाएं, वहां से जाना पड़ेगा लग रहा है। अरे यार, लेकिन चढ़ाई करने में हालत खराब हो जाएगा, रुको देखते हैं। शॉर्टकट लेने के चक्कर में बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ते पे आ गए हैं।
ये रास्ते पे हम लोग कल नहीं आए थे क्योंकि रात हो गया था। बाप रे, बहुत खतरनाक गया रास्ता, एकदम खड़े खड़े पत्थर हैं। अब शॉर्टकट नहीं ले रहे हम क्योंकि वो शॉर्टकट कच्चा रास्ता लेके पछता रहे थे, मान लो कहीं गिर जाते, पैर मुड़ जाता। साढ़े सात किलोमीटर हो गया 2.5 घंटे में, वो भी 15-20 मिनट हमको रुकना पड़ गया मम्मी सबका इंतजार करने, और हम कब से अकेले चल रहे थे। अभी देखिए ओम मिला है और ओम के पैर में दिक्कत हो रहा है, उतारो, बोलने लगा रहे, उतारो उतारो। तो हम लोग अपना टी ब्रेक ले रहे हैं, पुल पार कर चुके हैं हम लोग। देखिए इस रास्ते कैसे आए हैं आपको दिखाते हैं। देखिए वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से 3 बज रहा है करेक्ट, वहाँ से आ रहे हैं। ये रास्ता देखिए, ये पूरा क्रिस क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, फिर वहाँ से ये पुल हुआ है, ये पुल चेंज करके ये देखिए पापा आ गए, पापा नहीं है, पापा पीछे ही हैं। हाँ इतने लोग पहुँच गए हैं, ये देखिए हम चाचू गुनगुन छोट और ओम काना चाय पी के बिस्किट खा के निकलते हैं, मजा आ रहा है। गौरीकुंड 7.5 किलोमीटर रह गया है, 7 किलोमीटर बस, फटाक से 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ मम्मी उतरने में कहा था, धीरे धीरे आ रही है, कहाँ पे सर गए, उतरने में झटका लग रहा है, मेरा ये उंगली बड़ा तेज चाप रहा है, प्रेशर पड़ रहा है जूते पे। आइला जादू जादू, ओए ओए जादू, रुक रुक रुक, ओए जादू, ओए जादू मुझसे दोस्ती करोगे आइला जादू, जादू आइला आइला जादू आइला जादू, मैं माँ मुझे कुछ दिखाए। सो गौरीकुंड को सिर्फ 3 किलोमीटर बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे मतलब पहुँच जाएंगे। उतरने में कोई दिक्कत नहीं हो रही आसानी से, सिर्फ अभी हम लोग 4 घंटे हुए हैं, 4 घंटे में हम लोग 13 किलोमीटर उतर आए हैं। इस जूते के आगे हिस्से में जितनी उंगलियां हैं ना वो आगे को प्रेशर दे रही हैं, सारा प्रेशर उंगली पे जा रहा है, तो मेरे 2-3 नाखून भी टूट चुके हैं। अरे जादू कहाँ गया, जादू है जादू, आए आई ले जादू, इधर आओ, नहाओ नहाओ, क्या होगा, जल रहा है पानी, इतना गर्म पानी है ना, इतना तो गीजर से गर्म पानी नहीं निकलता है, सफेद हो गया है, लाल हो गया ना, इसका पैर इतना भी हम सही हो जाओ, नहाओ घूम भैया किधर जाओ, कभी नहीं नहाएंगे, बहुत खोल रहा है पानी, देखिए तो नहीं नहा पाएगा यार, बहुत खोल रहा है पानी। जहाँ से चालू किए थे वहीं पर वापस आ गए, पार्किंग सामने हमारी गाड़ी वहीं लगी होगी, अपने ड्राइवर का नाम क्या है, ईश्वर सिंह के जी के बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं और फटाफट गाड़ी मिलते हैं। तो हम लोग सीधे गाड़ी से यहाँ होटल पे ही आ गए, और बद्रीनाथ रात में नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे दिक्कत है, रात में रास्ता अच्छा नहीं है, तो सुबह निकलेंगे 8 बजे। तो अब दिन खत्म हो गया, खाना पीना खा लिए, अब बहुत थक गए हैं, इस वीडियो को यहीं रखते हैं, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, 2-4-10-20 लोगों को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, बने रहिए, अब बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले अच्छे, तब तक के लिए बाय। सारे दुनिया के मंदिर फेल है बद्रीनाथ धाम से।